पुतले की तरह जी रही है एंड मशीन की तरह काम कर रही है. सो अभी वो उसी जोन में, उसको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि उसके आसपास क्या हो रहा है. सुनाई दे रही है, आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन माइंड अभी कुछ उसको रजिस्टर नहीं कर रहा कि ये एक्चुअली में हो रहा है. हाँ, बहुत वियर्ड चीज़ है ये, क्योंकि मैं एक्चुअली अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूट रहे हैं. ये सेट में एसी है तो अच्छा ही लग रहा है उसे. ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी अच्छी जगह है ये. मैं थक चुकी थी एसी उस डब्बे के अंदर शूट करके, जहाँ पे एसी भी नहीं था, जहाँ पे एसी नहीं था. और तुम ऐसे करते रहते थे बहुत, और ये एकदम शान से इस आरवी बन के इस बड़े घर में शूट करता था. मैं छोटे घर में एंटर नहीं करता था. एंड अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, स्पेस है. अपनी शादी पे रणवीर दिखा नहीं रहा है, बट वो अंदर ही अंदर उसके लड्डू फूट रहे हैं. और हाँ, मन में लड्डू फूटा, जो चाहते थे वो लड़की मिल गई. लेकिन उसको ये भी पता है कि शानी बहुत डिप्रेस्ड है और वो ये सदमा झेल नहीं पा रही है कि उसको चिराग छोड़ के भाग गया, घर भी हाथ से छूट गया. और उसको मतलब इस बात का दुख भी है कि शानी बहुत ज़्यादा पेन में है. So he's not able to express again like Ishani, but he is still trying to keep his calm and being trying to be composed, कि वो ईशानी को भी संभाल सके. और इस सदमे को, मतलब जो सदमा लगा है ईशानी को, उस चीज़ से उभरने के लिए उसे, मतलब उसकी मदद कर सके. एंट्री करते ही माँ ने डांट लगा दी. एंट्री करते ही मेरी, उन्होंने बहुत वाट लगाई है. सो मुझे बहुत डर लग रहा है आगे के एपिसोड के लिए क्योंकि बिफोर द मैरिज वो बस हाथ पाथ मरोड़ती थी, इतना कुछ था नहीं. बट बाद में तो मैं घर के अंदर हूँ. तू मोस्टली तो चुप ही बैठेगी, तो तेरे डायलॉग्स कम होंगे, है ना. ये हो सकता है, हैप्पी अबाउट इट. हाँ, ये अच्छी बात है क्योंकि माँ ही बोलती रहेगी. माँ ही बोलती रहेगी मैं कुछ बोलूंगी, पर माँ शट अप. पर सुनो तो बोले तो नहीं, कर तो. लेकिन मैं कब से के पॉडकास्ट किया मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती. मैं एक हफ्ते से यही पहनी जा रही हूँ एंड हमारी शूटिंग खत्म नहीं हो रही है. सो मैं तंग आ चुकी हूँ. एक्साइटमेंट रहती है ऑब्वियसली, यू गेटिंग मैरिड एंड ब्राइडल लुक होता है, सो यू एंजॉय इट फॉर अ डे और टू. ये एक महीने पहले से एक्साइटेड थी कि इसकी शादी मुझसे होने वाली है और उसको अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा. शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है, तो पता ही था मुझसे होने वाली है. तो लेकिन मतलब एक्साइटेड थी कि अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट. और जब अभी पहन रहे हो तो फिर अब फिर कर रहे हो, क्योंकि एक हफ्ता हो चुका है. तुम कितना, एक बार तुम सच के देख सकते हो, तुम मतलब मैक्सिमम, मतलब एक दो दिन, मैक्सिमम एक दिन या दो दिन चलो कि कर लिया. इतना बजट नहीं होता ना, बहुत एवरी टाइम कपड़े चेंज करते हैं. एक्जेक्टली, बहुत फूल भी मुरझा चुके हैं. फूल भी मुरझा चुके हैं. नहीं, फूल रोज नहीं आते हैं. 500 रुपए के हार हैं. 500 का हार है. हाँ,